इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। इस कदर गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है ना वो कोई प्रैंक वीडियो नहीं होने वाली। एक्चुअली करने तो मैं प्रैंक गई थी लेकिन हो कुछ और गया। तो आज की जो वीडियो है ना इसके रिएक्शन आप खुद चलकर देख लो वीडियो में क्या हुआ है क्या नहीं, और बाकी मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद, क्योंकि आज की वीडियो के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। तो मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद। अकेले अकेले बैठ के क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे नहीं जानते, तुम पहचानते नहीं मुझे। मैं नहीं समझ सकता कौन मिले। कल ही तो मिले थे यार हम लोग। कल मुझे याद नहीं यार, कहाँ मिले थे? कल यही सीपी में तो मिले थे। कल सीपी? इतनी जल्दी कैसे भूल गए, याददाश्त तो बड़ी कमजोर है यार तुम्हारी। मुझे एकदम याद नहीं है, कल मैं शायद सीपी में था भी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा याद नहीं आ रहा, बहुत जल्दी भूल गए तुम मुझे। मैं भूलने की चीज तो नहीं हूँ देखो वैसे। अब आप बता सकते हैं, आप इतना अच्छे से बात कर रहे हो, आप बता दी, शायद मैं मिला भी होगा। क्या लग रहा है आपको कि इतने अच्छे से बात करना बेकार है? आज के टाइम में कोई करता नहीं इतने अच्छे से बात। नहीं नहीं वो आप सही कह रहे हो, आप मुझे बता दीजिए मैं आपको कैसे जानता हूँ। तो गाइस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अपस्टॉक। अपस्टॉक एक ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है यार। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मिस्टर रतन टाटा का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। और बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वो आपसे 500 रुपीज़ लेता है यार। तो डीमेट अकाउंट के लिए बेसिक कुछ डिटेल्स की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपस्टॉक पर 28,000 के फ्री ऑफर चल रहे हैं, जैसे कि फ्री एडवाइजरी सर्विसेज और भी बहुत कुछ। तो गाइस देरी किस बात की, जाके रजिस्टर करो अपस्टॉक पर और बहुत सारा पैसा कमाओ। और अपस्टॉक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर इसमें रजिस्टर कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमाओ। मैं बता देती हूँ कि मैं रैंडमली आपके पास आई हूँ, मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब स्मार्ट लग रहे हो बहुत ज्यादा, और ब्लैक बहुत सूट कर रहा है तुमको, और सनग्लासेस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और तुम भी रेडबुल पीते हो, मैं भी रेडबुल पीती हूँ। लग रहा है तुम्हें देख देख के जिम विम तो जाते ही रहते होगे, और जिम वाले लोग तो वैसे मुझे बहुत पसंद है। एकदम सही कह रही है, पर आपको मुझे आपकी आवाज से बहुत अच्छा लग रही है, आप बहुत अच्छी। तुम तो हर जगह से अच्छे लग रहे हो, मेरे को सिर्फ आवाज ही अच्छी लग रही है तुम्हें। मैं आपसे अच्छा लग रहा हूँ, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम चाहो तो हम लोग डेट पे चल सकते हैं, वैसे भी मेरा डेट पे हाँ। वैसे मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, और मैं कब एक अच्छा सा लड़का देख रही थी यार, कोई स्मार्ट सा हैंडसम सा लड़का मिल जाए डेट पे जाती। और तुम पता है मैं बुलेट वुलेट चलाने में भी एक्सपर्ट हूँ, अच्छे से घुमाती फिराती तुम्हें। नहीं ये बात तो आप सही कह रहे हो, बट डेट की जहाँ तक आप बात कर रहे हो तो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो मुझे। समझ क्या समझूँ मैं, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है? ऐसे तो मैं कभी किसी लड़के से बात भी नहीं करती जाके। अब तुम लग इतने क्यूट रहे हो तो देख के ना, एक होता है ना कि बंदा जाता है और दिल ने फ्लर्ट नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ तुम्हें, देख के ना दिल ने ना एकदम ब्रेक लगा दी कि बस यार चाहिए तो चाहिए यही बंदा। मुझे तो कोई नहीं बोलता कि मैं बहुत क्यूट लगता हूँ, इवन आज तक जो मेरी गर्लफ्रेंड रही वो भी कभी नहीं बोली कि मैं बहुत क्यूट लगता हूँ। यार मेरी नज़र से देखो ना, आप अपनी नज़र से क्यों देख रहे हो, आप मेरी नज़र से देखो, आप कितने मतलब कितने प्यारे से लग रहे हो, इतने क्यूट लग रहे हो, और ब्लैक में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, और पक्का यार मतलब। मैम आप तो फ्लर्ट कर रहे हो पूरी तरीके से। फ्लर्ट तो नहीं कर रही, खैर तुम अकेले बैठे अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे साथ में अगल बगल में कोई अच्छी सी लड़की होनी चाहिए? नहीं तो मेरे साथ में भी नहीं है, छोड़ दिया क्या? फिर भी प्रॉब्लम है? अरे छोड़ो यार पिछली बातें, सब फ्यूचर प्लान करते हैं हम लोग साथ में मिलके। और तुम्हें पता है वैसे भी मैं ना अब शादी वादी के लिए लड़का देख रही हूँ, तो तुमसे प्यारा तो मुझे कोई मिलेगा भी नहीं। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। यार मैं क्या समझूँ, मैं ये बता रही हूँ तुम्हें कि मम्मी ने आज ना मेरे को ना एक लास्ट वार्निंग दिया कि अब भी तूने दो दिन में लड़का पसंद नहीं किया ना तो भूल जा, तू रिश्ता विश्ता सब खत्म है। और मुझे तुमसे ही मतलब एक होता है ना लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, जैसे तुम्हें देखते ही पहली नजर में ना सच्ची बता रही दिल से मम्मी कसम प्यार ही हो गया। मैम आप सही तो कह रहे हो, मेरी बातें समझ नहीं पा रहे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं है। मुझे पता है ब्रेकअप हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, ब्रेकअप हुआ होगा ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे होगे। तो यार मैं हूँ ना उन चीजों को तुम्हें वहां से बाहर निकालने के लिए, एक तुम्हें अंधेरे से बाहर निकाल के जन्नत की दुनिया में लेके जाना चाहती हूँ यार। मैम आपको बता दूं, आप अभी जितनी बातें बोल रहे हो, आप मेरी बातों के ब्रेकअप के पीछे आपने कभी रीजंस नहीं पूछे, और आप अभी बोल रहे हो मेरी पहली गर्लफ्रेंड कैसे बोलती थी। पहली गर्लफ्रेंड बोलती थी ना, तो मैं आखिरी हूँ तुम्हारी, पहली थी वो छोड़ो उसे, पहला तो हमेशा प्यार ही साला
होता है क्या बताऊँ। मैं तो तुम्हारी आखिरी बनना चाहती हूँ ना, आखिरी बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे को समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मतलब तुम मुझे कितने प्यारे लग रहे हो। पता है मैं इतनी देर ना किसी से बहस भी नहीं करती, अब तुम इतने स्मार्ट इतने गुड लुकिंग लग रहे हो मुझे, तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाई, यहाँ से जा रही थी तो बस तुम्हें देखते दिल ने ब्रेक लगा लिया। तो सही बात है, लेकिन मैं आपको मुझे बताना चाह रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप जो हुआ, आप शायद उसने धोखा दिया होगा, यही हुआ होगा, और क्या हुआ होगा। धोखा तो दिया, आप अभी जिस तरीके से बोल रहे हो, मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने भी इसी तरीके से मेरे को सारी बातें कही। छोड़ो ना यार पहली गर्लफ्रेंड को, मैं तुम्हारी आखिरी हूं ना, तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियां दूंगी। मतलब एक डेट पे जाने के लिए तो बोल रही, कॉफी डेट पे चल लेते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, जानेंगे एक दूसरे को, पहचानेंगे। मैं आपको कह तो रहा हूँ, आप तो सही कह रहे हो, मैं चलने के लिए भी तैयार हूँ आपसे, लेकिन आपका और मेरी पहली गर्लफ्रेंड की जो कन्वर्सेशन है, दैट्स ऑलमोस्ट द सेम मोमेंट। आप बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, पर समाउ आप मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, मेरे ब्रेकअप के पीछे रीजंस क्या रहे हैं। तुम्हारे ब्रेकअप के पीछे क्या रीजन रहा है, उसने धोखा दिया, ठीक है यही होगा। अब मेरे को नहीं जानना पिछली बातें ना, मैं पिछली बातों में ना भरोसा नहीं करती, मैं आगे की दुनिया में जीने की बात कर रही हूँ तुम्हारे साथ। पिछली बातें मिट्टी डालो ना यार, पता नहीं मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, मतलब इतना बुरा हुआ है ना अनएक्सपेक्टेड कि मैं बता भी नहीं सकती कितना बुरा हुआ होगा। लेकिन यार जिंदगी में आगे आपको छोड़ दिया, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया था मुझे किसी और के लिए। आप मेरे को जिस हिसाब से आप बात करो, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि वो आपको इस तरह की इतनी जल्दी, आप जैसी लड़की को कैसे कोई छोड़ सकता है। यार बात सही है, सभी का यही कहना है, लेकिन वही है ना कि मतलब बहुत लोग होते हैं दुनिया में ऐसे कि जिनको ना सच्चे प्यार की कदर नहीं होती, और जब वो खत्म हो जाती है ना सारी चीजें, फिर उनको उनकी गलतियां रियलाइज होती है। आप मेरे दुख से दर्द पे ना हाथ रखते हो, फिलहाल तो मैं आपको ये बता। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे मुझे, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, मतलब मैंने कभी आज तक किसी से ऐसे बात नहीं करी है, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो सच में, मतलब तुम्हें देखते ना मेरी भावनाएं आकर्षित हो गई है, सच बताऊँ तो। यार शुद्ध हिंदी आपकी तो बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, और मेरा सब कुछ अच्छा है, तुम एक बार ट्राई तो करो। मैम मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मेरी बातों को आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आप एकदम समझने की बात नहीं कर रहे हो, और मुझे भी पता है कि ये बातें सुनते हो आप, या कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड ने भी सुना था, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम डेट पे चल रहे हो, तुम नहीं मारोगे ना, मैं आपको मेरे से प्यार भी हो यार, प्यारे लग रहे हो, क्या हो गया यार। आप तो सही कह रहे हो, एक काम करो तुम डेट पे चलो यार, प्लीज यार चलो ना यार, मैं डेट पे चलने के लिए तैयार हूँ, मेरी स्टिक कहाँ गई। स्टिक मतलब अब तो नहीं करोगे ना चलने के लिए, आप बताओ मतलब आप मेरे से इतने दिन से पूछ रहे थे रीजंस क्या रहे, और आपको मैं रीजन बताना चाह रहा था और आप समझ नहीं पा रहे थे, मतलब आप देख नहीं सकते। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ने का यही तो रीज़न था, वो भी ये कहती थी जब फर्स्ट टाइम मिला था, और वो कहती थी आप बहुत अच्छे हो, जब उसको ये पता चला तो उसके बाद से वो छोड़ के चले गए। और मैं आपको हर बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ समझो मेरे प्रॉब्लम कुछ और है, आप जैसी लड़कियाँ किसी और के लिए बने हो। कैसे हुआ और ये कब हुआ? ये अब आप मेरे एक्चुअल में आँख में एक बार एक्सीडेंट हुआ था रोड क्रॉस करते हुए, फिलहाल तो अभी डॉक्टर्स ने बोला है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, मैंने बहुत लोगों को समझाया, बोला देख लो मतलब अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, बट गर्लफ्रेंड कहाँ है, आपको पता है ना, आपने स्टार्टिंग में बोला था आजकल ब्रेकअप का चल रहा है, वो भी ब्रेकअप का ही चल रहा है हमेशा से, और क्या कह सकते हैं मैं इस चीज़ को लेकर। एनीवेज अब चले क्या कॉफ़ी, अब तो नहीं बोलोगे आप? आपको ये लगता है कि अब मैं कॉफ़ी पे नहीं जाऊँगी आपके साथ? हाँ तो मैंने कहा मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो, लेकिन यार मैं नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैम कि देखिए आप कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कभी भी कोई भी मेरे साथ कॉफ़ी चलने के लिए तैयार होगा, मेरे लिए कॉफ़ी तो एक सपना सा है, अच्छा लगता है, सुनता हूँ लोग कहते हैं कॉफ़ी पे डेट पे सीसीडी क्या आपने तो यार सेंट ही कर दिया, रुला दिया, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मुझे अभी कैसा लग रहा है। नहीं देखिए आपको मैंने बताया मेरी अपनी प्रॉब्लम, और अब शायद मुझे नहीं लगता कि आप जैसी लड़की मुझ जैसे इस ब्लाइंड लड़के के साथ में कॉफ़ी करना, मुझे नहीं लगता। ये आपकी सोच है ना, आप मेरे नज़रिए से देखो ना, मुझे चलना है आपके साथ कॉफी, चले हम लोग, और मैं लेके जाऊंगी आपको। क्यों आप अभी भी तैयार हो मेरे साथ कॉफी चलने के लिए? मैं हमेशा एज अ दोस्ती एज अ गुड फ्रेंड आपके साथ रहना चाहती हूँ अब से।
मेरे साथ दोस्ती करें। क्योंकि मैं आपकी ये सोच है ना जो बदलना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं देख सकते हो ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आज की जनरेशन, मतलब जो मैंने देखा है, लड़के अच्छे हैं, टी वी स्टर्ट है, बुलेट से चल रहा है, रॉयल एनफील्ड से चल रहे हैं, लड़कियाँ हैं सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लड़की सबसे पहले हाथ छोड़ती है ना, यही तो हुआ था मेरे साथ। आपको क्या लगता है? मुझे उम्मीद नहीं है आपसे कि शायद आप कॉफ़ी पीने के लिए जैसे ब्लाइंड लोगों के साथ जरूर चलेंगे। प्लीज़ ऐसा मत सोचो और चलो कॉफ़ी पे चल रहे हैं, बाकी बात वहीं पे करेंगे। एंड मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ अगर मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। बात यह है मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं प्रैंक्स करती हूँ, ठीक है? तो कैमरा लगा हुआ था सामने। हाँ मैं प्रैंक्स करती हूँ। मैं सॉरी, मैं देख तो नहीं सकता आपकी प्रैंक्स, लेकिन आवाज़ से आप बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे। और अगर मेरे गलती से भी जाने जाने मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। कोई इशू नहीं, अब आपको नहीं पता था, ठीक है, समहाउ किस्मत है साथ। बट एज अ गुड फ्रेंड सीरियसली मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, क्या आप रहोगे मेरे साथ? नहीं, मैं क्यों नहीं रहूँगा, डेफिनेटली। मैं तो ऐसे लोग को ढूंढता हूँ, लेकिन आपको पता है हम जैसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। इसके साथ मत रहो, इसके साथ मत चलो, ये लड़का ऐसा है, ब्लाइंड है, इसको रोड क्रॉस करानी पड़ेगी, अपने साथ टाइम स्पेंड होगा, फालतू का वेस्ट जाएगा टाइम, और बेटा आके कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। ये होता है कि दोस्त क्या है शॉपिंग करने गए, कह रहा आएगा बाद में आपको बैठा के चले, तो तुम्हें कहाँ कहाँ लेके जाऊँगा, क्या ठीक है यार मुझे कहाँ लेके जाके आके बैठ गया बैठे इधर कुछ दिया है बस जिंदगी तो साथ चल रही है। आप चलोगे मेरे साथ कॉफी? मैं तो चलूंगा, आप चलोगे कि नहीं चलोगे ये तो बता दो। आओ चलो हम साथ में चलते हैं। और एज अ गुड फ्रेंड हमेशा साथ रहोगे मेरे? पक्का? मैं तो हमेशा तैयार हूँ। प्रॉमिस ना, यहाँ पे है मेरा चैनल वाले लोग, आप मिल गए मेरे साथ, और क्या चाहिए मुझे इससे अच्छा। और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यूट्यूब पे अगर ये क्लिप जाती है तो? मेरी तो फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। आप बहुत प्यारे हो पता है आपको। आओ चले, मेरा दोस्त चाहती है मुझे मिलने के लिए बोला है, आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिएगा। हाँ मैं आपको यहीं पे ड्रॉप कर दूंगी पक्का। मुझे छोड़ यहीं दीजिएगा, नहीं तो अभी मेरा दोस्त छोड़ के चला जाएगा। पक्का मैं आपको यहीं छोड़ दूंगी, प्रॉमिस। और मैं एज अ गुड फ्रेंड हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसे गुड फ्रेंड बोल कर रहे हो, बट ज्यादा दिन तक आप मेरे साथ भी इस तरह की चीजें नहीं फील करते। नहीं ऐसा नहीं है।